गुजरात जायंट्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत के साथ बदल गया WPL 23 का पूरा पॉइंट टेबल। दिल्ली कैपिटल्स टीम को हुआ पॉइंट टेबल में बड़ा फायदा, वहीं गुजरात जायंट्स टीम को हुआ पॉइंट टेबल में बड़ा नुकसान। तो दोस्तों, इस समय क्या पॉइंट टेबल की पूरी जानकारी बताते हैं हम आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप यदि शेफाली वर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच में गुजरात जायंट्स के कप्तान स्नेहा राणा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात जायंट्स की शुरुआत बेहद ही खराब रही, और गुजरात जायंट्स की टीम ने इस ओवर मैच में मात्र 20 ओवर में 105 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना सकी। गुजरात जायंट्स की तरफ से इस मैच में सबसे ज्यादा रन किम गार्थ ने 37 गेंदों में 32 रन की पारी खेली, वही वरहम ने 25 गेंदों में 22 रन की पारी खेल सकी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट मेजब कैप ने 4 ओवर में 15 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, वहीं सिगा पांडे ने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार रही, और दिल्ली कैपिटल्स टीम ने इस लक्ष्य को मात्र 7.1 ओवर में ही चेस कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इस मैच में शेफाली वर्मा ने मात्र 28 गेंदों में 10 चौके और 5 छक्के के साथ 76 रन की शानदार पारी खेली, वही कप्तान एम नेगी ने 15 गेंदों में 3 चौकों के साथ 21 रन की पारी खेल सके। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को पूरे 10 विकेट से हराकर पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, चलिए इस मैच के बाद नजर डालते हैं WPL के पॉइंट टेबल पर। पॉइंट टेबल के नंबर एक की बात करें तो मुंबई इंडियंस की टीम 3 मैचों में 6 पॉइंट्स के साथ नंबर एक पर है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम 4 मैचों में 6 पॉइंट के साथ नंबर दूसरे पायदान पर है। वहीं यूपी वॉरियर्स की टीम 3 मैचों में 4 पॉइंट के साथ नंबर तीसरे पायदान पर है, वहीं गुजरात जायंट्स की टीम 4 मैचों में 2 पॉइंट के साथ नंबर चौथे पायदान पर है, वहीं RCB की टीम 4 मैचों में 0 पॉइंट के साथ 5वें और आखिरी पायदान पर है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।